हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से मोमोज बनाना बताऊंगी। इससे आप ना तो आलस करेंगे और बहुत ही टेस्टीदार एकदम मस्त से मोमोज खाने के लिए तैयार रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है और इसमें थोड़ा सा मैंने प्याज को कद्दूकस किया है, पत्ता गोभी है और शिमला मिर्च। इसे मैंने हल्के से ब्राउन कर लिया है और इसे थोड़ी देर के लिए हम स्टीम होने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी जो सब्जियां हैं सारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और इसके बाद इसे हम आटे का डो लगाएंगे, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम के लगभग मैदा ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ताकि आटे का मॉइस्चर बना रहे और ये सॉफ्ट डो लगे और ये बनकर अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने इसे तैयार कर लिया है और यहाँ पर हमारी जो आटे की डो है वो भी तैयार हो चुकी है। फाइनली हमारा आटा भी एकदम अच्छे से गूंद गया है, सॉफ्ट सा मस्त सा हमारा आटा तैयार है। तो इसके बाद जो हमने सब्जियाँ थी जो थोड़ी सॉफ्ट होने के लिए रखी थी, तो इसमें हम थोड़ी सी लगभग मैंने ये इसमें शिमला वो जो है सोयाबीन इसमें लेके मैंने थोड़ी सी देर भिगोने के बाद इसमें ये मैंने डाली हैं ग्राइंड करके। थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ती डालेंगे और मैंने पनीर भी इसमें ऐड किया है ताकि बहुत अच्छे से टेस्ट आए। और देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड किया है और लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड किया है ताकि बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट हमारे हमें घर पर ही मिल सके। तो इसे मैंने फिर से थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है। इधर जो हमारा आटा था इसे हमने लोई बना के बेलने के बाद थोड़े से आपके पास गिलास हो या कोई गिलास या बाउल की हेल्प से आप इसे अच्छे से कट कर लीजिए। और उसके बाद ये हमने जो हमारे ये स्टफिंग तैयार थी तो इसमें ऐसे भरने के बाद में बहुत ही आसानी से इसे अच्छे से मोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं क्या आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन ही बनाओ और इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे मोमोज़ को इसी तरह से बनाकर फ्राई कर लिया है। तो ये रहे हमारे मोमोज़ और देखने में कितने क्रंची और बहुत ही अच्छे से लग रहे हैं देखने में भी। और यही हमारी चटनी। तो आप मुझे चटनी की अगर रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।